अरे जो फेल कर रहा है वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है, अभी नहीं करेगा अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान रखना, मैं पढ़ता था पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत, क्रिश्चियन थे वो, मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में। वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो। उस समय तो मैं अच्छा ही था, क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या? ध्यान रखिए, उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता तो हूं, दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा, मालूम है मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ, पीछे की सीट में बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे, स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे, उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, चित्र बना रहे सर का, बन गया बंदर का, बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन, स्कूल क्यों आते हो? माँ बाप भेजते हैं, आना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं लेकिन अब भेजते हैं तो भेजते, मैं करूं क्या? उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। मैं 8th क्लास तक बहुत घटिया नंबर से पास होता था, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे कहा आज से मेरा आदेश है तुम पीछे की सीट में नहीं आगे की सीट में आकर के बैठोगे। पीछे की सीट पे वही बैठता है जो पढ़ाई से जी चुराता है, जो क्लास में मस्ती करना जानता है। ये आगे की सीट में जितने लड़के बैठे सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और बेटा मैं कहता हूं आज से होशियार बच्चों के सोच साथ रहो, तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा चिंतन बदलेगा। मान्यवर मुझे नहीं मालूम था, उस समय तो मुझे मजाक लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। 1 साल 2 साल जब मैं आगे की सीट में मैंने बैठना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त थे अच्छे, उनके नाम मुकेश प्रशांत थे, सब मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, साथ पढ़ता था, वो क्लास में अव्वल दर्जे में पास होते थे। मान्यवर जो 3rd डिवीजन में मैं पास होता था, पासिंग मार्क, उन लड़कों की संगति करी, मेरे 60% नंबर आना प्रारंभ हो गए। क्योंकि वो लड़के मौज मस्ती नहीं करते थे, वो करते थे समय पर लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई, उनके साथ रह रहकर मैंने पढ़ना सीखा। मैं कहता हूं कि दो तीन साल की उस साधना में मेरे क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। मान्यवर जिन लोगों के साथ जैसी संगति वैसी मति, ध्यान रखना जैसी संगति करोगे वैसी मति हो जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं महाराज भी बन गया तो मुझमें उतना दिमाग बुद्धि नहीं थी, आज ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन बोलने की कला यदि मैंने किसी से सीखी है, चिंतन सीखा है, तो तरुण सागर महाराज के साथ रह करके मैंने सब कुछ सीखा है। आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी महाराज के बाद यदि मेरे जीवन में किसी का सबसे बड़ा उपकार है तो तरुण सागर महाराज का उपकार है। 3 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, उन्होंने मुझे चिंतन सौंपा। मान्यवर कोई कैसा भी कुछ भी कहता रहे, जो जैन समाज में तरुण सागर ने चिंतन परोसा है, कोई मुनि इतना बड़ा चिंतन इस देश में नहीं परोस सका, जिन्होंने देश के जैन धर्म को जन धर्म बनाने का। आज मैं दुखी हूं क्योंकि उनसे मेरा केवल इतना ही रिश्ता नहीं है कि वो मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े मुनि हैं, मैं उनके संग में दीक्षित हूं आचार्य महाराज से। आज ऐसी आवाज जिसने जैन धर्म को पहचान दी, आज दिल्ली में वो आवाज लड़खड़ा रही है, मेरे भाई आज वो बीमार हैं, आज वो अस्वस्थ हैं। हकीकत में कहूं तो मेरा मन स्थिर नहीं है कि जिसने मुझे सब कुछ दिया आज इतनी सी उम्र में वो साधु लाचार है। मैं यही कहूंगा पूना वालों से कि अपने घरों में ईश्वर से प्रार्थना करें कि तरुण सागर की आवाज दबना नहीं चाहिए, वह हमेशा आगे बढ़ती रहे। और मैं तो आज ये कहता हूं कि भगवान हम जैसे साधुओं का क्या है, मेरी भी उम्र यदि उन्हें दे दी जाए
तो पुलक सागर वो करने को भी तैयार है। उनका जीवन वो समाज की धरोहर है, विरासत है। उन्होंने देश को एक सही दिशा दी है। उन्होंने मेरे से कभी छोटे मुनि जैसा व्यवहार नहीं रखा। उनके साथ बहुत से साधु रहे। हमारे संघ में जो भी दीक्षित हुए, ट्रेंड होने, उनके ही पास जाते हैं। सबसे ज्येष्ठ साधु हैं, जो भी गए सबने सीखा। लेकिन तरुण सागर महाराज आज भी बोलते हैं कि पुलक सागर जो तुमने ग्रहण किया वो कोई भी साधु मुझसे ग्रहण नहीं कर पाया है। उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई ही नहीं, छोटा मुनि ही नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे अपना मित्र समझा है। आज भी हमारे उनके रिश्ते, आज दूर दूर होने के बाद भी सबसे घनिष्ठ मित्रता यदि किसी से है तो तरुण और पुलक सागर की जोड़ी। नॉर्थ में जाकर के आप देखेंगे, यदि मैं उत्तर प्रदेश में चला जाऊं ना, दिल्ली में चला जाऊं, तो आज भी दिल्ली वाले मुझे छोटा महाराज कहकर बुलाते हैं। बड़े महाराज तरुण सागर, छोटे महाराज पुलक सागर, आज भी मैं उनकी नजरों में बड़ा नहीं बना। ऐसी जोड़ी, 3 साल हम लोग साथ रहे, एक भी दिन विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कभी जोर से नहीं बोले। नहीं तो तरुण सागर को समझना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तक मैं इस भरी सभा में कह रहा हूं कि कभी हम दोनों के बीच में तू-तू मैं-मैं नहीं हुई। कभी उन्होंने मुझे जोर से नहीं बोला, डांटा नहीं, और उन्होंने डांटा नहीं, और मैंने भी कभी डांटने का अवसर उनको प्रदान नहीं किया। आज वो पीड़ित हैं। विनोद गया है संदेश लेकर, बहुत अस्वस्थ है वो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मत दो कुछ एक संत को, हृदय से दुआ दे दो। कभी कभी दवा जो काम नहीं करती वो दुआ काम करती है, ध्यान रखना। वो निरोग हो, वो स्वस्थ हो। मान्यवर, विषय मेरा बदल गया, लेकिन भीतर से दुख है मुझे। साल भर हो गए, 2 साल हो गए उन्हें परेशानियों को झेलते झेलते। यहां से भी गए थे तो बीमार ही थे। खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में दोस्ती हमेशा याद रहती है। रिश्तेदारियों में बहुत औपचारिकताएं होती है मेरे भाई। रिश्तेदारी में ऊंच नीच की बातें होती हैं। रिश्तेदारी वो होती है, कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं पुलक सागर कहूंगा रिश्तेदारी छोड़ सकता हूं, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। दोस्ती में कुछ ऊंच नीच नहीं होता है दोस्ती में। रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारों से संभल संभल के बोलना पड़ता है, हमको पूछा नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा ये रिश्तेदारियों के लफड़े हैं। हम उनके घर गए, हमें पानी को नहीं पूछा। दोस्त ऐसा कभी नहीं कहता है मेरे भाई, दोस्त के मन में ये बातें कभी नहीं आती हैं। रिश्तेदार में बहुत सी रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती। दोस्ती तो जीना पड़ती है, आनंद के साथ दोस्ती जी जाती है मेरे भाई। रिश्तेदार शिकायत से भरे होते हैं, कभी कमर साहब आ जाए, दामान जी आ जाए, यदि आपके घर में खाएंगे पिएंगे, तिलक भी करवाएंगे, टिफिन भी ले जाएंगे, वो घर जाके कहेंगे मजा नहीं आया दत्त रे की, मर गया वो करते करते ससुर साहब, तुमने क्या दिया, मजा नहीं आया। विचार करिए, ये रिश्तेदारियां होती हैं। और दोस्ती तो वो होती है, यदि दोस्ती का आनंद लेना है तो नारायण कृष्ण सुदामा के चिवड़े का आनंद लिया करते हैं, जो 56 भोगों में आनंद नहीं आया करता है। दोस्ती बड़ी आनंद प्रदायक होती है। आपसे एक निवेदन है, मैं जहां तक सोचता हूं कि अब्दुल कलाम को यदि गलत संगति मिल जाती तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब्दुल कलाम लादेन बन गए होते। और लादेन को अच्छी संगति मिल जाती तो लादेन अब्दुल कलाम बन गया होता, ध्यान रखिए। राम को अच्छी संगति मिली वो महान हो गए। यदि रावण को अच्छी संगति मिलती तो रावण भी राम बन के खड़ा होता, और राम को गलत संगति मिलती तो राम रावण बन गए होते। मेरे भाई, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आज यदि मैं इस पौधे पर आके पहुंचा हूं
तो इसमें मेरे जीवन में सबसे ज्यादा हाथ किसी का है तो दोस्तों का हाथ मेरे जीवन में है। मान्यवर सोचिए, अच्छी संगति करो। मालूम है गंगा जैसी नदी में यदि नाली का पानी मिल जाए तो कहते हैं कि नाली का पानी गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। गंगा में नाली का पानी मिले तो वो गंगा जल हो जाया करता है, और गंगा जल को यदि नाली में डाल दिया जाए तो वो गंदा जल हो जाया करता है, वो अपवित्र हो जाया करता है। संगति करो तो गंगा जैसों की करो, जहां जाकर के हमारा ये गंदगी में शरीर पवित्र हो जाए। एक कोयले की बोरी में कोयला जानते हैं? मैलाएं क्या बड़ा कठिन है, कोड़सा यही कोड़सा हाँ चलेगा, बहुत कठिन है भाई है? यदि उसके बोरी में बोरी गोनी उसमें यदि शक्कर भर दी जाए तो शक्कर काली हो जाती है। मेरे भाई ध्यान रखना, इस संगति का फल हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोस्ती के रिश्ते को पवित्र रखना है, पावन बनाना है, तो जिससे भी दोस्ती का रिश्ता बनाओ, बनाने से पहले एक कब्रिस्तान अपने हृदय के कोने में जरूर बनाना। ध्यान रखना, बाहर के कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हृदय के कोने में, अपने मन के कोने में एक कब्रिस्तान जरूर बनाना। और ऐसा कब्रिस्तान जहां हम अपने मित्र की बुराइयों को दफना सके, ध्यान रखिए, उनको जमी जमी दोज कर सके। हर मित्र में अच्छाई और बुराई दोनों हुआ करती है। मेरे भाई आपसे निवेदन है, यदि दोस्ती को अच्छा रखना है तो मित्रों की बुराइयों को सीने में दबा के रखना पड़ता है। ऐसा कब्रिस्तान जहां हम मित्र के दोषों को छिपा सके, बहुत कठिन काम है। प्रशंसा करना बहुत आसान है मेरे भाई, कमियों को छिपाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे किसी व्यक्ति में कोई कमी है, उस कमी को यदि छिपाना है तो इतना ही कठिन है जैसे कोई जहर का घूंट पी रहा हो। मेरे भाई हम दूसरों की कमियों को उजागर बहुत जल्दी करते हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? एक वो होती है ना ढाल, तलवार के साथ ढाल जो होती है वो हमेशा पीठ के पीछे रहा करती है, पीठ पर लगी रहती है। लेकिन जो ढाल जो पीठ पर है, लेकिन जब उसका दोस्त रणभूमि में खड़ा होता है और जब उस पर तलवारों से आक्रमण होता है तो पीछे की ढाल छाती के सामने आ जाया करती है। दोस्त वैसे ही होना चाहिए कि बुरा अच्छे दिनों में तो दोस्त पीछे रहे, लेकिन बुरे दिनों में ढाल बन करके दोस्त को आगे आना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए ढाल बन करके खड़े हो। एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की? आकाश में एक ही चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की? और जिंदगी में एक ही दोस्त काफी है, क्या जरूरत है हजारों की? मेरे भाई एक सच्चा दोस्त मिले। 2 अगस्त 1935 को समेट रहा हूं अपनी बात को, 2 अगस्त 1935 को अमेरिका की एक अदालत ने एक लड़के को फांसी दे दी। सबूत के सामने अदालत कुछ ना कर सकी, अदालत जानती थी कि लड़का बेगुनाह है, लेकिन बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। कानून अंधा होता है, उसकी आंखों में पट्टियां बंधी होती हैं काली, वो कुछ नहीं देखता। कानून खुद जाके अपराध नहीं देखता, कानून यदि देखता है तो सबूतों की निगाह से देखा करता है। सबूतों ने पास कर दिया कि अपराधी है, अमेरिका ने उसे सजा दे दी, मौत की सजा। उसका एक दोस्त था, उसे पता चला कि मेरा दोस्त गलत नहीं है, लेकिन कानून के सामने वो दोस्त भी लाचार था। उसे पता लगा कि उसके दोस्त को फांसी दे दी गई 2 अगस्त को। उसने देखा कि मेरे दोस्त को फांसी दे दी, उसी समय उसने जाके अपनी आत्महत्या कर ली। वो दोस्त का जुदाई सहन नहीं कर पाया, मर गया, सुसाइड कर लिया उसने। जैसे ही अमेरिका की सरकार को पता लगा
कि एक दोस्त की फांसी पर दूसरे दोस्त ने अपनी हत्या कर ली, अखबारों में उछल गई सुर्खियों में। अमेरिका ने कहा कानून के हाथ से हम लाचार थे, निश्चित वो निरपराधी होगा जिसे फांसी लगा दी गई। और उस दिन अमेरिका ने घोषणा कर दी कि 2 अगस्त को, आने वाले हर 2 अगस्त को सारी दुनिया में फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। ध्यान रखिए आज क्या हालत है उसकी, अपने इतिहास पढ़ा है, देखा है कि फ्रेंडशिप डे किस लिए आया और आज हमने उसका क्या रूप बना दिया। अरे ये फ्रेंडशिप डे का मतलब था दोस्ती का दिवस, दुनिया में मिसाल खड़ी हो कि एक दोस्त के लिए दोस्त अपनी जान दे दिया करता है। लेकिन आज हमने फ्रेंडशिप डे को एक बेल्ट में सीमित कर दिया है, ना रिश्ते बचे, ना जज्बात बचे, ना भावना। इतना पवित्र त्योहार ये लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप वाला बन गया मेरे भाई, ये वासना का त्योहार बन गया, ये आकांक्षाओं का त्योहार बन गया। अरे ये तो बलिदान का दिवस था, दोस्त के लिए दोस्त को कुर्बान होने का दिवस था मेरे भाई। ऐसी सड़ी गली संस्कृतियां मत लाओ अपने देश में, इन रिश्तों को, इन त्योहारों को समझने का प्रयास करें मेरे भाई। आने वाला 2 अगस्त मनाया जाए तो ऐसा ना मनाओ जैसे मनाते हो कि मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दिया मैसेज, एक बेल्ट उसने बांध दिया, एक बेल्ट उसने बांध दिया, फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। नहीं मेरे भाई, दिन शुभ नहीं होते, दिन हैप्पी नहीं होते, दोस्ती रिश्ते और जज्बात हैप्पी हुआ करते हैं, उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास करो। समय हो गया, 5 मिनट ज्यादा ले लिए, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। आप सब समझिए, कल का समय भगवान पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव, आपने कल वचन दिया था 7 बजे सब माणिक बाग में पहुंचेंगे। आज इतने खूबसूरत विचार आपको मिल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपको पसंद आ रहे या नहीं आ रहे, लेकिन आपकी तालियां मुझे एहसास कराती हैं कि मेरी कोई ना कोई बात आपके दिल को जरूर छू रही है। मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आज इतना खूबसूरत पंडाल बना है, ये मंच बना है, मान्यवर ये हमारी टीम है जिसने मेहनत की है, लगन की है, रात रात जगते हैं तब जाके पंडाल सजा करता है तुम्हारे बैठने के लिए। आपसे मेरा निवेदन है, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन मेरा आशीर्वाद चाहता है ईमानदारी से? सभी लोग चाहते हैं, ये बताओ केवल 20 दिन चाहते या हमेशा चाहते हैं? हमेशा चाहते तो मैं तो हमेशा यहां रहूंगा नहीं, यहीं रहूंगा क्या? और तुम इतने बेईमान हो कि तुम इतने नहीं आओगे, है ना, जितना तुम चाह रहे हो उतने तो आओगे भी नहीं मेरे पास। मैं हमेशा तुम्हारे घरों में रह सकता हूं, मैं पूना से विदा हो सकता हूं लेकिन तुम्हारे घरों से विदा नहीं हो सकता हूं। बस उसके लिए एक ही निवेदन कर रहा हूं कि मुझे हमेशा अपने घर में रखना है, तो चातुर्मास का एक कलश आपके घर में जरूर पहुंचना चाहिए। और जब जब उस कलश पे दृष्टि जाएगी उसे एक लोटा मत समझना, ये समझना कि जिस गुरु ने हमें विचार दिए हैं, अरे महावीर दुनिया से गए, हमने उन्हें मूर्ति में वापस बुला लिया, पुलक सागर पूना से चला जाएगा, तुम मुझे कलश में अपने पास रख सकते हो। ध्यान रखिए।